अरुण महादेव दोस्तों, तो आज कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। आप सोचेंगे कि आज क्या हो रहा है। तो आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी। कुछ स्पेशल पिताजी के लिए स्पेशल। अरुण महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो आज मैं कुछ अलग से आपको दिख रहा हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरी इच्छा से बड़े दिन से कि पिताजी को कुछ अपने हाथों से बना के खिलाऊँ। बड़े दिन हो गए थे उनको कुछ खिला नहीं पाया था, तो आज सोचा कि इनको पनीर बना के खिलाता हूँ। अब देखते हैं कैसा बनता है वो। तो कुछ अलग करने की, बीच बीच में बहुत शौकीन हूँ बनाने का, लेकिन शुद्ध पनीर। तो देखते हैं कैसा बनता है आज का ये हमारा पनीर जो हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, नया कुछ करने की आज सोची है और सोच के अब देखते हैं कैसा बनता है, रिजल्ट कैसा रहता है। हाँ, बढ़िया बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो समस्या है। हर काम आदमी को आना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, कोशिश हमें करनी चाहिए। अभी तड़का लगाते हुए टमाटर डालने के बाद जो हमारा ग्रेवी का कलर है वो इस तरह से हो गया है। टमाटर तो दोस्तों होते हानिकारक है, लेकिन शायद मैं आपके लिए टमाटर के लिए कुछ भी नहीं खा सकते। वाह, वेरी यम्मी। और पनीर डाल ये आ गया है, और ये देखो पनीर के बाद इस तरह का बात हमने कह दिया कि प्याज, कच्चा प्याज और पनीर को इकट्ठा डाला, कुछ बड़े बड़े चीज़ करके उसको स्वाद होगा, कुछ अलग तरह का होगा। इसको हम फिर भी पानी और डाल सकते हैं और उसके ऊपर सुबह खाना खा सकते हैं। पनीर चिल्ली कैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी पानी का इस्तेमाल करके कम वाला खाने जुट चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा और उसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आप ज़्यादा कम करते हैं। तो गाइस, आज था कुछ अलग से, बढ़िया से। तो जब चेक करूँगा तो बताऊँगा।